बड़नगर सिविल हॉस्पिटल में थमने का नाम नहीं ले रही है डॉक्टरों की मनमानी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पिछले दिनों भी महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने सर्जरी ऑपरेशन, प्रेगनेंसी वाली महिला की सर्जरी ऑपरेशन बंद कर दिया था, जिसके बाद बड़नगर के हरिओम मानव सेवा संस्थान ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। अस्पताल प्रशासन ने यह बहाना बनाया कि ऑपरेशन बंद किए जाने के आगे के आदेश आए हैं, जिस पर हरिओम मानव सेवा संस्थान द्वारा बड़नगर SDM एवं मेडिकल ऑफिसर बड़नगर को ज्ञापन दिया गया और ऑपरेशन फिर चालू करने की मांग की गई है। इस पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवेंद्र स्वामी द्वारा मीडिया को बताया गया कि ऑपरेशन बंद नहीं किए गए हैं। स्वामी के इस बयान से यह साबित होता है कि किस तरह बड़नगर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं। डॉक्टर ही नहीं, नर्स स्टाफ की लापरवाही भी उजागर हो रही है। हरिओम मानव सेवा संस्थान द्वारा हॉस्पिटल में हो रही तमाम लापरवाही के खिलाफ 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बड़नगर से महेश सोनगरा की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर ऑपरेशन सुचारू रूप से चलते रहे और कोई अव्यवस्था नहीं। बंद क्यों कर दिए गए थे ऑपरेशन, क्या कारण रहा? बंद तो ऑपरेशन एक भी नहीं हुआ, अभी तक कोई ऑपरेशन यहाँ से बाहर गया नहीं। तो फिर इन्हें ज्ञापन किस संबंध में दिया है? फिर जा रहा है जहाँ पे फैन की व्यवस्था नहीं है, पंखे सारे बंद पड़े हुए हैं, गर्मी में माता बहनें कष्ट झेल रही है, तो आप लोगों से निवेदन है। आपके डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि सीजर चालू है। चालू है तो अच्छी बात है, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। तो बंद नहीं हुआ था क्या? कल बंद हो गया था ना, चालू करते तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग ऑपरेशन चालू रखेंगे जब तक कोई एनेस्थेटिस्ट या डॉक्टर उपलब्ध न हो जाए। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जैसे यहाँ जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी है उस पर भी आपने देखा होगा कि 16 तारीख से वही ड्यूटी चल रही है।